गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट SST बुक कैस्केड चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, द डेजर्ट रीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वार्म अप पढ़ते हैं। वार्म अप में क्या लिखा है, व्हेन वी हियर द वर्ड डेजर्ट वी थिंक अबाउट कैमल्स एंड विजुअलाइज सैंड एंड ड्राई कंडीशंस। जब भी हम शब्द डेजर्ट सुनते हैं, रेगिस्तान के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैमल्स, और साथ में हम लोग वहाँ पर ये समझते हैं कि वहाँ की कंडीशंस किस तरह की हैं, ड्राई हैं, सूखी हैं, और साथ में वहाँ पर बहुत सारा रेत भी होता है। तो हमारे माइंड में एक पिक्चर सी बन जाती है डेजर्ट एरिया को लेकर के, जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया गया है कैमल्स हैं और साथ में बहुत सारा सैंड भी यहाँ पर दिखाया गया है। द डेजर्ट रीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, व्हाट एल्स कैन यू एसोसिएट विद इट। यहाँ पे लिखा है जो डेजर्ट का एरिया होता है वो एक उदाहरण है बहुत ज़्यादा जलवायु की कंडीशंस के लिए। आप इस चीज़ को किस किस चीज़ के साथ जोड़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ डेजर्ट। डेजर्ट हम किसको कहते हैं, अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ वेरी लिटिल और नो वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स। तो डेजर्ट एक बड़ा सा एरिया क्षेत्र होता है लैंड का, जहाँ पर क्या होता है, बहुत कम या फिर बिल्कुल पानी नहीं होता है और वहाँ पर कुछ ही पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे वहाँ पर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। डेजर्ट्स आर नॉट ओनली कवर्ड विद सैंड, डेजर्ट जो होते हैं वो सिर्फ रेत से ही कवर नहीं होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं, बट ऑल्सो कंप्राइज रॉक्स स्टोन्स और आइस। वहाँ पर चट्टाने, पत्थर और बर्फ भी पाई जाती हैं। डेजर्ट्स गैस लिटिल टू नो रेनफॉल, डेजर्ट का जो एरिया होता है या तो वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है और अगर होती है तो लिटिल, बहुत कम होती है। द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड आर, दो तरह के जो है रेगिस्तान पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, एक तो होता है हॉट डेजर्ट्स और एक होता है कोल्ड डेजर्ट्स। मोस्ट हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री एंड 35 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। तो देखिए, ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस किस के बीच पाए जाते हैं, इक्वेटर के 15 डिग्री टेम्परेचर और 35 टेम्परेचर के बीच में पाए जाते हैं। द सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट्स इन अफ्रीका, अब हम कुछ डेजर्ट्स के नाम जान लेते हैं, कौन कौन सा डेजर्ट कौन सी जगह पर सिचुएटेड है। तो देखिए, सहारा और कालाहारी डेजर्ट्स पाए जाते हैं अफ्रीका में, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, द पांचागोनियन डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, द मैक्सिकन डेजर्ट है मैक्सिको में, द थार डेजर्ट है इंडिया में एंड द ग्रेट बेसिन डेजर्ट है USA में, आर सम हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमने जितने भी नाम पढ़े हैं ये कौन से डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट्स। अब पढ़ते हैं कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में। कोल्ड डेजर्ट्स आर रीजन विद एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, जो कोल्ड डेजर्ट हैं, है ना, ठंडे जो रेगिस्तान हैं, वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है ठंड पाई जाती है, ठंड होती है, सर्दियाँ जो होती है बहुत ठंडी होती हैं, एंड रिलेटिवली वार्म समर्स विद लिटिल टू नो रेनफॉल और स्नोफॉल। और वहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर बारिश या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। एंटार्क्टिका, लद्दाख एंड गोबी डेजर्ट इन एशिया आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट एरियाज़। तो हमें कोल्ड डेजर्ट एरियाज़ के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं, एंटार्क्टिका, लद्दाख और गोबी डेजर्ट, और ये तीनों के तीनों किस कॉन्टिनेंट में उपलब्ध हैं, एशिया में। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे कुछ कोल्ड डेजर्ट एरियाज़ के। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी होती है। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो डेजर्ट्स होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, उनकी एक और ख़ास बात से हम उनको जानते हैं, वहाँ की अधिकतम जो जलवायु की जो कंडीशंस वहाँ पर होती हैं। द क्लाइमेट जनरली इज़ हॉट एंड ड्राई, वहाँ का जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, बहुत गर्म और साथ में सूखी, विथ स्पेर्स रेन्स, मतलब बारिश बहुत कम होती है या ना के बराबर बिल्कुल।
डे टाइम टेम्परेचर्स इन द हॉट डेजर्ट्स आर वेरी हाई. दिन के टाइम पे जो तापमान होता है हॉट डेजर्ट्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली इन द समर रीजन. कौन से मौसम की बात यहाँ पे की जा रही है? ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में जो तापमान होता है वो बिल्कुल उच्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है. डेजर्ट रीजन्स आर ऑल्सो प्रोन टू सैंड स्टॉर्म्स. डेजर्ट का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेतीले तूफान आते रहते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर कॉमन होती है. अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है, सहारा द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये आपको पता होना चाहिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा. स्ट्रेचेज अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ये कहाँ तक फैला है? जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी जो भाग है वहाँ पर तक ये फैला हुआ है. कौन सा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट. अच्छे से आपको याद करना है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है. नेम क्या है? सहारा. नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वहाँ पर किस तरह के जो है वेजिटेशन है, मतलब कि हरियाली, वाइल्ड लाइफ, और वहाँ का जंगल जीव कैसा होता है. द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स अडैप्ट टू द ड्राई एंड हॉट कंडीशंस. जो भी प्लांट्स, पेड़ पौधे पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में, उनको हैबिट होती है वहाँ के कंडीशंस की. कैसी कंडीशंस होती है वहाँ पे? ड्राई एंड हॉट, तो उनको इनकी आदत होती है, तभी तो वो वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं. कैक्टस, एकेशिया, थॉर्नी बुशेस एंड बाओबाब आर सम प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स. तो ये बताया गया है किस तरह के कौन कौन से प्लांट्स जो हैं डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं. कैक्टस, एकेशिया, झाड़ी वाली, जो कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती हैं वो, एंड बाओबाब, कुछ प्लांट्स के नाम बताए हैं डेजर्ट एरिया में. अब नेक्स्ट है, ओसिस आर लाइंड विद डेट पाम ट्रीज. ओसिस क्या होता है? ओसिस वो एरिया होता है जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं और बीच में पानी होता है. इनके चारों तरफ किस तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं वहाँ पे? डेट पाम ट्रीज हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम द कैमल, कैमल के अलावा एनिमल्स लाइक फॉक्सेस, मोल्स, हाइनास, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, लिजार्ड्स एंड बीटल्स कैन बी सीन इन द डेजर्ट्स. एनिमल्स और भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सब नाम मैंने बताए, फॉक्स, मोल, हाइना, स्नेक, स्कॉर्पियन, लिजार्ड और बिटल. कैमल तो होते ही होते हैं, साथ में ये कुछ और जानवर भी देखने को मिलते हैं. दे ऑल हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव द एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशन. इन सभी जानवरों में कुछ ऐसी खास फीचर मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये अपने आप को जिंदा रख पाते हैं इतनी ज़्यादा डेजर्ट की हॉट और ड्राई कंडीशंस में. द कैमल ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. जैसा कि हम सबको पता है, जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. वो क्या कर सकता है? सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कैमल जो है लंबे समय तक पानी के बिना और खाने के बिना रह सकता है जिंदा, इसीलिए ज़्यादातर जो है हमें वहाँ पर कैमल ही देखने को मिलता है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें पिक्चर शो की गई है. तो देखिए बच्चों, ये किस चीज़ की पिक्चर है? ओसिस, ठीक है. इस साइड में यहाँ पे रेत है और यहाँ बीच में पानी है. यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं, इसमें यहाँ पे साइड में जो है पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, डेट के और पाम के. नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट रीजन. जो डेजर्ट का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे किस तरह का जीवन होता है? लाइफ इन द डेजर्ट इज़ डिफ़िकल्ट. अब आप सबको पता है, पानी नहीं होगा तो वहाँ पे ज़िंदगी कैसी होगी लोगों की? बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते होंगे ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो वहाँ पर जो ज़िंदगी है लोगों की वो डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और साथ में क्लाइमेटिक की जो कंडीशंस होती है, जैसे कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आते रहते हैं और साथ में सूखा भी रहता है.
Therefore, deserts are the most sparsely populated areas in the world. इसकी वजह से क्या होता है, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. People normally live in or near the oases. वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, ओसिस के पास में रहना पसंद करते हैं. एंड मूव फ्रॉम वन ओसिस टू अनदर, और फिर वो क्या करते हैं, एक ओसिस से दूसरे ओसिस के पास में चले जाते हैं, शिफ्टिंग करते रहते हैं. मतलब वो नॉमेडिक लाइफ जीते हैं, एक जगह पर टिक करके नहीं रहते हैं. एनिमल हर्डिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज नॉमेडिक ट्राइब्स. ये जो नॉमेडिक लोग होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, एनिमल हर्डिंग, है ना. जैसे गाय पाल लेते हैं, है ना, और ये कैमल्स को पाल लेते हैं, भेड़ बकरियाँ पाल लेते हैं, तो ये इनका क्या होता है, मेन काम क्या होता है, एनिमल हर्डिंग. पीपल इन डेजर्ट्स कल्टिवेट अल्फाल्फा वेजिटेबल्स डेट्स बार्ले एंड राय. तो यहाँ के लोग जो हैं कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, अल्फाल्फा वेजिटेबल्स डेट बार्ले और राय. द मोस्ट पॉपुलर फूड क्रॉप इज मिलेट. यहाँ की सबसे प्रमुख जो फसल है वो क्या कौन सी है, खाद्य फसल, मतलब खाने के लिए जो उगाते हैं, मिलेट. एंड इट इज़ ग्रोन नियर वाटरफॉल्स. और ये कहाँ पर उगाई जाती है, पानी का जो एरिया जहाँ पर होता है उसके आसपास ये ग्रो की जाती है. वीट एंड बार्ले आर ग्रोन नियर द ओसिस. और जो दो फसल बताई है, एक वीट है और एक बार्ले है, ये ज़्यादातर जो है ओसिस के पास ही ग्रो की जाती है. तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी हमें दी गई है, व्हाट इज ओसिस, स्मॉल वाटर बॉडीज इन द डेजर्ट एरिया सराउंडेड बाय ग्रीन वेजिटेशन इंक्लूडिंग डेट पाम्स. ठीक है, तो ये क्या होता है, ओसिस पानी की बॉडी होती है, मतलब कि थोड़ी जगह पे जो पानी मौजूद होता है डेजर्ट एरिया में, जिसके चारों तरफ हरियाली होती है और जिनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स हम देखने को मिलते हैं, डेट के और पाम के. ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट सप्लाई, किसी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं स्कैरसिटी. सम डेजर्ट्स आर रिच इन मिनरल डिपोजिट्स. तो कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लाइक पेट्रोलियम एंड कॉपर. कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर, पेट्रोलियम और कॉपर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन सच रीजन. तो जिस एरिया में पेट्रोलियम और कॉपर पाए जाते हैं वहाँ पर लोगों का एक इम्पॉर्टेंट जो काम धंधा होता है वो क्या होता है, माइनिंग, है ना, खनन जिसको बोलते हैं. पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड द सहारा डेजर्ट. जो पेट्रोल की जो खाने हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में और सहारा डेजर्ट में. तो वहाँ से ही जो है ज़मीन के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है. मेनली इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल मौजूद होता है, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में एंड द सहारा डेजर्ट में. क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.